गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर थर्ड, गिव एंड टेक। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी दी गई है, पहले मैं यहाँ पे स्टोरी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई एम किट्टू, मैं किट्टू हूँ। दिस इज़ ए माई होम, ये मेरा घर है। इज इट नॉट, ये बड़ा तो नहीं है। इट हैज़ ए 100 रूम, इसमें सिर्फ क्या है 100 रूम्स हैं। हेल्प मी पेंटिंग सम द रूम, यहाँ पे हम क्या करना है, पेंटिंग करना है कुछ रूम का। तो इसके पहले कैसे करना है यहाँ पे हमें दिया गया है, जैसे कि आई एम स्टार्टेड फ्रॉम रूम टू, उसने क्या किया है रूम दो से पेंट करना स्टार्ट किया है। आई एडेड टू 10 to 2 रीच द फ्रॉम 12, मतलब 2 से पहुँचा वो 10, फिर क्या हो गया पूरा 12 हो गया। तो इट टू एडेड 10 to 2 वी कैन वी गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड 1 स्टेप राइट टू 12, मतलब वो 10 स्टेप कर रहा है। तो पहुँच ऐसे यहाँ पे पहले गया 10, इसमें 2 उसने और ऐड किया तो क्या हो गया 12 हो गया। फिर वापस कौन से स्टेप पे पहुँचा वो 11, जब वो राइट स्टेप पे गया तो क्या हुआ 12। तो दिस इज़ अ वन वे टू गो फ्रॉम द 2 to 12, मतलब 2 से स्टार्ट किया, बाद में कहाँ पहुँच गया वो 12 पे पहुँच गया। ही इज़ देयर इज़ अ शॉर्टकट, मतलब वो शॉर्टकट यूज़ करता है, ऑफ कोर्स फॉलो मी, चलो यहाँ पे कुछ रूल्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। वी कैन जंप अप वन रो, वो क्या करता है वन रो को जंप करता है। तो अ जंप टू 12 इज़ लाइक ए टेकिंग ए 2 से 12 तक पहुँचने में उसको कितने स्टेप लेने पड़ते हैं, यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब 1 यहाँ से हम कितने स्टेप लेता है 2 से लेके 12 तक। तो 2 से 12 लाइक टेकिंग स्टेप, कितने स्टेप हो गए तो 1 स्टेप हो गया, मतलब 1 से ले, यहाँ पे पूरे 10 की रो है, फिर यहाँ पे अगर वो एक वहाँ पे कुछ ऊपर उठ जाता है जंप करता है तो क्या आ जाता है उसका 12 आ जाता है। तो मतलब उसने कितने स्टेप लिए हैं 1 स्टेप लिए हैं। सेकेंड हमारा है नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 40, मतलब 40 से 24, मतलब 14 हुआ प्लस में 10 ऐड किए तो कितना हो गया 24 हो गया। कलर ऑफ दिस रूम, यहाँ पे उसने कलर कर दिया है। हाउ विल बी आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 20 to 42, मतलब 20 यहाँ पे कुछ 22 से 42 करने के उसने पहले 1 एक बार जंप किया है तो 42 आ गया है। देन 1 स्टेप लेफ्ट वी कैन राइट इट लाइक, जब अगर वो स्टेप एक स्टेप नीचे आता है तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 22 + 20 क्या हो गया 42, 22 यहाँ पे है उसने प्लस 10 की रो होती है तो यहाँ पे उसने जब ऐड किया तो क्या आ गया 42। फिर 42 में उसने माइनस वन किया, यहाँ पे लेफ्ट में आया तो क्या हो गया 41। हाउ मेनी स्टेप वन गो टू इन ऑल, कितने स्टेप ऊपर टोटल चलता है, ऐसे नॉर्मली 3 स्टेप चलता है 1, 1, 2 और 3, 3 स्टेप हो गया। अगर काउंट के हिसाब से देखते थे यहाँ पे 10 की गैपिंग होती है तो 10 यहाँ, मतलब ऑलरेडी वो यहाँ 22 पे था, फिर यहाँ पे गया 10, यहाँ पे गया हो गया 20, फिर एक स्टेप और राइट लेफ्ट में गया तो क्या हो गया पूरा 21। यू कुड बी ऑल्सो गो देयर वे फ्रॉम 22 टेक ए 1 स्टेप लेफ्ट 20, अगर 21 वो लेफ्ट जाता है तो क्या होता है 22 से 1 स्टेप कम नीचे जाता है तो क्या होता है वो 21 होता है। 22 - 1 = 21, 21 + 20, अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गया 41। तो फाइंड माई फूड, यहाँ पे ट्राई दिस किट्टू होम, यहाँ पे कुछ स्टोरी देखिए, पहले हम वहाँ पे देखते हैं। हे आई एम समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग लाया हूँ। माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट टू ईट अ सम रूम, सम रूम्स मतलब कुछ रूम्स में क्या रखे गए हैं स्वीट रखे गए, हेल्प द फाइंड दैट रूम, उसमें क्या करना है हमें खोजना है। द एंसर सम आर नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू द फाइंड द रूम, आपको नेक्स्ट पेज में क्या कुछ नंबर दिए रहेंगे जिससे आपको आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी। मार्क द सम माई होम, तो यहाँ पे 10 < 34 इज, मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर 10 < 34 10 में से 34 माइनस कर दिया जाए तो कितना होता है 24, अगर लेस बोला जाता है तो क्या होता है माइनस होता है तो 24 आ गया। 53 - 20 कितना हो गया
33, 11 मोर देन 31, मोर मतलब क्या हो गया, ऐड करना हो गया। अगर 31 में ही 11 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गया, 42 हो गया। नेक्स्ट हमारा 11 लेस देन 66 इज, अगर लेस देन बोला है तो मतलब माइनस होगा, तो जो बड़ी संख्या अगर वो ऊपर से डायरेक्ट कर देते हैं 66 माइनस 11 तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस करते हैं तो 66 माइनस 11 तो वो 6 में से 5 और 5 तो मतलब कितना आ गया हमारा 55। अगर आप काउंटिंग पीछे जो काउंटिंग दी गई है उसमें से भी माइनस देखेंगे, जैसे यहाँ पे बोला है 66 लेस देन 11 तो पहले देखिए यहाँ पे 66 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 66 यहाँ पे है। अब इसमें क्या बोला है, 11 लेस देन 11 तो लेस देन 11 बोला मतलब नीचे आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 66 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो क्या आ गया हमारा 55। चाहे तो आप बॉक्स के देखकर कर सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 55। 62 ऐड 13, अगर 62 में हम ऐड 13 कर दें कितना आ गया हमारा 75। 23 लेस देन 89, तो अगर 89 में से 23 को माइनस करते हो तो कितना होता है 66। कैसे होता है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेस देन बोला है मतलब माइनस, अब यहाँ पे 89 देखते हैं 89 कहाँ पे है, तो 89 तो देखो यहाँ पे दिया गया है, अब कितना बोला है इसको कितना माइनस करना है 23 माइनस करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 89 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 तो हो गया हमारा, आ गया यहाँ पे 66। यहाँ पे अगर 89 माइनस 23, 9 में से 3 गए कितना हुआ 6 और 8 में से 2 गए तो 6, क्या आ गया हमारा 66। अब 10 एंड 40 मोर इज, तो अगर 10 है उसमें 40 और ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 50। 9 एडेड टू 28, तो अगर 28 दिया है उसमें 9 हम और ऐड करते हैं कितना हो गया 37। द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, मतलब 44 है अगर उसमें हम 9 और ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 44 है, 9 और ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि सम बोला है, सम बोले या फिर ऐड बोले तो क्या हो गया मतलब हमारा ऐड हो गया। अब कितना आएगा यहाँ पे 44 और 9, तो हम ऐड करते हैं कितना होता है, 9 में 4 जोड़ देते हैं 10 11 12 30, तो 30 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 था एक हाथ से लग गया 5, तो कितना आ गया 53। रिड्यूशन 98 बाई 34 इज गिवन, रिड्यूशन मतलब होता है माइनस करना, अगर हम 98 में से 34 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है हमारा 64। 4 एंड 37 मोर इज, मोर कहा है तो मतलब क्या हो गया हमारा ऐड, 37 में अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है हमारा 41। टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट, कितना है अगर 83 में क्या हो जाए 35 को, तो मतलब 83 में से 35 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा 48। इस तरह से हमारा ये वाला यहाँ पे पूरा होता है कि हमने काउंट में कम मोर कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे माइनस करना है यहाँ पे हमने देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।